अभी आपको एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जहां स्पीकर अयाज़ सादिक की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं कि ये मैटर यहाँ पे एजिटेट नहीं हो सकता। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने लीव ग्रांट की और वो मैटर वहाँ पे पेंडिंग है। बहुत शुक्रिया सरताज साहब, एक सवाल कीजिए आप। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि स्पीकर अयाज़ सादिक की ज़ेरे सदारत कौमी असेंबली का इजलास जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।